हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम एक और पार्ट लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व ने पूछ लिया कि टोडरमल कहाँ पैदा हुए थे, अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। अबुल फजल कहाँ जन्म लिए थे, इनका घर कहाँ था, फैजी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की जेल में दी गई थी। इस प्रकार से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में, यूपी के परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप गड़बड़ कर देते हैं। इसको सही करने के लिए आपको आज हम यही लेकर हाजिर हैं। तो चलिए देख लेते हैं अमीर खुसरो का जन्म, तो उसके बाद हम बात करेंगे, सभी की बात करेंगे क्रम से कि किसका जन्म कब कहाँ हुआ था, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी को पता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1223 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1223 ईस्वी में। नोट करते चलिए, ये कहाँ हुआ था, पटियाली। पटियाली कहाँ है, ये कासगंज में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था, पटियाली। अब अमीर खुसरो को ही क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और खड़ी बोली के जनक भी यही है, तो तोता ए हिंद, अमीर खुसरो, तोता ए हिंद, अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक कौन थे, अमीर खुसरो थे। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, गलत नहीं करेंगे, आपको सही करना है। थोड़ा सा मेहनत करनी है और सही करना है, क्योंकि कोई भी परीक्षा में कुछ सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिलेक्शन की तरफ से जो प्रश्न आप छोड़ते हैं अगला प्रश्न वही करके सिलेक्शन लेता है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, जितना पढ़ना है एकदम दमदार चीजें पढ़नी है और जो परीक्षा में आती हो। तो अब बात हम करते हैं निजामुद्दीन औलिया की, निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदायूं में हुआ था। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। ये सूफी धर्म के प्रचारक थे और बाबा फरीद के शिष्य थे। तो पूछ लेता है, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। ये यहाँ से बाबा फरीद के शिष्य, परीक्षा में अगर पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है, एकदम चीजों को क्लियर करना है। अब हम बरनी की बात करते हैं। तो बरनी बुलंद शहर के बरन नामक स्थान के निवासी थे। तो बुलंद शहर में एक स्थान है, कौन सा है, बरन नाम स्थान है। तो बरन जो है वहां पे जन्म हुआ था। तो बरनी से बरन है, आप याद रख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं बरनी से बरन। तो जियामुद्दीन बरनी का जन्म कहाँ हुआ था, बुलंदशहर, बा से बुलंदशहर भी आप कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी प्रकार से आपको आगरा, सॉरी अबुल फजल, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। अब अबुल फजल जो है किसके भाई थे, फैजी के भाई थे, फैजी के भाई थे। अभी अकबर के नवरत्न दरबारी थे, दोनों भाई अकबर के नवरत्न में शामिल थे, ये चीज आपको देना। अबुल फजल तथा फैजी दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई थे, और दोनों का जन्म कहाँ होगा, आगरा में होगा। देखिए यहाँ पे फैजी है, तो यहाँ पे आप इनका भी जन्म आगरा, देखिए दो भाई हैं तो दो भाई एक ही जगह जन्म लेंगे, अलग अलग जगह तो जन्म लेंगे नहीं, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहीं पे जन्म लेंगे। तो ये चीज है, इन्होंने आईने अकबरी की रचना किसने की थी, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। आईने अकबरी, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है, और अकबरनामा, इन दोनों की जो रचना है किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी, और ये अकबर के अकबरनामा, ये अकबर थे, नवरत्न थे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो गलत आपको नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बीरबल की बात करते हैं, बीरबल का जन्म जो है जालौन के कालपी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, जालौन के कालपी, सबसे प्रसिद्ध थे जालौन के कालपी, सबसे प्रसिद्ध बीरबल थे अकबर के नवरत्न में। तो इनका यहाँ से अक्सर बनता है, जालौन के कालपी में इनका जन्म हुआ था। अभी पूछ लेता है कि अकबर ने इनको किसके कविराज की उपाधि दी थी, इनको कविराज की उपाधि इनको दी थी, बहुत बुद्धिमान थे बीरबल। इनके बचपन का नाम अक्सर पूछ लेता है, तो बचपन का नाम है महेश दास।
महेश दास, इनका बचपन का नाम है। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि देवव्रत के बचपन का नाम क्या है, तो महेश दास बचपन का नाम। आप परीक्षा में पूछेगा तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, कविराज की उपाधि अकबर ने दी थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जालौन के कालपी में हुआ था। ये हो गया। अब टोडरमल, टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था, सीतापुर के लहरपुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। इन्होंने भू, ये भी अकबर के नवरत्न थे, तो इन्होंने भू राजस्व की व्यवस्था का, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था का या दहशाला बंदोबस्त की स्थापना या खोज इन्होंने की थी। तो परीक्षा में आपको गलत नहीं करना है, दहशाला बंदोबस्त, इनसे रिलेटेड चीज भी हम लिंक कर दे रहे हैं जिससे कि आपको गलत ना हो परीक्षा में। तो यहाँ से आपको कैसे करना है, फैजी की हमने बात कर ली, अकबर के नवरत्न के दरबारी थे, आज चीजें हमने कर ली। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका तो बनारस में हुआ था। इनका विवाह कहाँ हुआ था, झांसी के राजा में। विवाह कहाँ हुआ था, विवाह इनका झांसी में हुआ था। तो चीजें अगर यहाँ से पूछ लेता है कि इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था, विवाह झांसी में हुआ था। अब यहाँ से अगर प्रश्न पूछ लेगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और इनकी जो क्या इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में, झांसी से हुए थे, जाते जाते ग्वालियर में ये शहीद हुई थी। तो ग्वालियर में इनके शहीद हुई थी, ग्वालियर में शहीद। तो ये चीज है 1857 की क्रांति का, कि जो प्रमुख वीर नायिका थी कौन सी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आपको इस तरह से याद रखना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। नाना साहब का बचपन का नाम परीक्षा में पूछ लेता है, तो नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधो पंत। नाम की बात कर लेते हैं, बचपन का नाम इनका अक्सर पूछता है धोंधो पंत या धोंधु पंत, कहीं कहीं आता है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। धोंधो पंत इनका नाम था। ये कानपुर का जो है 1857 की क्रांति में कानपुर का क्या किया था, नेतृत्व किया था, कानपुर का नेतृत्व इन्होंने किया था। परीक्षा में प्रश्न पूछे, गलत नहीं करना है, चीजों को इस प्रकार से ध्यान देनी है कि गलत ना हो। अब तात्या टोपे के भी बचपन का नाम पूछ लेता है, तो क्या था इनका नाम, रामचंद्र पांडुरंग था। बचपन का नाम इनका क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। परीक्षा में पूछ ले, गलत नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं। इन्होंने बिठूर झांसी के पास है, इन्होंने बिठूर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। बिठूर झांसी में भी इन्होंने साथ दिया था, और कालपी, तो इन तीनों स्थान का जो है नेतृत्व, तो या झांसी में इन्होंने साथ दिया था, नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन ये सारे। अब राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई, तो आपको ये इनका जन्म जहाँ कहाँ हुआ था ये पूछ लेता है। तो देखना है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म अगर बात करें तो शाहजहांपुर में हुआ था, शाहजहांपुर में, याद रखिएगा, गलत नहीं करना, शाहजहांपुर में। अब इनको जो फांसी हुई थी, कब हुई थी, फांसी की बात करते हैं, तो परीक्षा में कई बार पूछा चुका है, फांसी 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोरखपुर जेल में हुई थी। परीक्षा में प्रश्न पूछने में नहीं हिचकता है, इसलिए आपको पढ़ने में भी नहीं हिचकना चाहिए, गोरखपुर जेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनता है, राम प्रसाद बिस्मिल से कई बार पूछ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महानुभावों की, जो कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया था। तो जैसे कि हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म MP में हुआ था, लेकिन आगे की जो इनकी कहानी है, जब पूरा जीवन जो है इनका यूपी में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके पिता जो है कन्नौज में निवास करते थे, और वहीं पे इनकी जो कर्म भूमि वही रही है। और आपके इलाहाबाद के या प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसे कि हम कंपनी बाग के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे इनकी शहादत हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो चीजों को लिंक रखना है, MP में अलीराजपुर जिले में के भंवरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद की हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर आजाद, परीक्षा में पूछ सकते हैं कभी भी चंद्रशेखर आजाद। तो जन्म कहाँ हुआ था, MP में हुआ था, जन्म MP में,
याद रखना जन एमपी में हुआ था, चीजों को क्लियर रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भावरा गांव में हुआ था, एमपी के भावरा गांव। भावरा गांव कहाँ किस जिले में है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर जिले में है, अलीराजपुर जिले में है। चीजों को बार बार हम बोलते इसलिए हैं कि आपको चीजों को याद रहे, भूले ना एग्जाम की दृष्टि से। ये चीज हो गई। अब इनका जो उन्नाव में है, उन्नाव में इनके पिता रहते थे और यहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो बचपन और जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है उन्नाव में हुई। शहीद कहाँ हुए थे? शहीद जो है इलाहाबाद में हुए थे। इलाहाबाद की कंपनी अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था? शहीद हुए थे। तो चीजों को यहाँ से लिंक रखनी है। अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज में है तो इसे कंपनी बाग के भी नाम से जाना जाता है। तो जो लोग प्रयागराज में गए होंगे तो जरूर ये एक प्रमुख स्थान होता है जहाँ पे जाते हैं। जब कोई भी महानुभाव इस समय का यूपी में इलाहाबाद में आता है तो यहाँ पे जरूर कम से कम माल्यार्पण, भले उनकी शुद्ध ना की जाए लेकिन माल्यार्पण करने एक बार जरूर आता है। अब हम बात करते हैं एक और महान भाव की, जो कि हमारे देश का नाम रोशन किए थे, आजादी की लड़ाई में बहुत साथ दी, बहुत आगे थे। तो मंगल पांडे जी की हम बात कर रहे हैं, पांडे जी की अब हम बात कर रहे हैं, चुलबुल पांडे जो कि मंगल पांडे थे। अब हम इनकी हम बात कर लेते हैं मंगल पांडे की। तो मंगल पांडे का जन्म मेरठ में हुआ था, परीक्षा की दृष्टि है मेरठ में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ के थे? ये पश्चिम बंगाल में ये कार्यरत थे। चीजों को याद रखना है आपको, बैरकपुर के, बैरकपुर छावनी थी वेस्ट बंगाल में, जहाँ के ये सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। याद रखिएगा बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको ज्ञात गलत नहीं करना है, इन्फेंट्री के सैनिक थे जो कि यहाँ पे आपका कहाँ था? वेस्ट बंगाल में था। तो चीजों को यहाँ से ध्यान में रखना है कि क्या कैसे करना है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है चीजों को कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ से आपको हम मंगल पांडे की बात कर लिए, अब कुछ हम महान भाव चिट्ठू पांडे की बात कर लेते हैं। वीरों की धरती या बागी की धरती में इनका जन्म हुआ था, चिट्ठू पांडे। चिट्ठू पांडे की हम बात करेंगे, चिट्ठू पांडे बलिया में इनका जन्म हुआ था। बागियों की धरती बलिया कही जाती है, बलिया यूपी के बलिया में इनका जन्म हुआ था। तो चीजों को आपको याद रखना, इसी प्रकार से इन्होंने बलिया में अस्थाई सरकार बनाई थी कुछ समय के लिए। तो अस्थाई सरकार कुछ ही समय के लिए होती है, तो यहाँ से चीजों को आपको क्लियर रखना है। चित्तू पांडे की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ महानुभाव कलाकारों की। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म की बात करते हैं, सूरदास का जन्म मथुरा के सीही नामक स्थान पे हुआ था, मथुरा के सीही नामक स्थान पे हुआ था, तो याद रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तुलसीदास का जन्म राजा बांदा जिले के राजापुर, तुलसीदास बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। राजापुर कहाँ है? बांदा जिले में, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। आगे हम बात करते हैं कबीरदास की बात करते हैं। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, परीक्षा में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, गलत नहीं करना है। कहाँ? सॉरी, हम इनका नाम ही लिखना भूल गए थे, कबीरदास नाम लिखना जरूरी है। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। याद रखिएगा, चीजों को क्लियर रखना है, कोई कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, परीक्षा में प्रश्न कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो चीजों को इस प्रकार से ध्यान देना है। अब मुंशी प्रेमचंद का भी जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनके बचपन का नाम परीक्षा में पूछ लेता है तो क्या करेंगे आप? बचपन का नाम नाम धनपत राय, बचपन का नाम धनपत राय, परीक्षा में पूछ ले, आपको गलत नहीं करना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है,
कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ महानुभाव जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, आपका कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके पिता हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ये कानपुर के मूल निवासी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था आपके, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। तो ये यहाँ से प्रश्न जो बनने की संभावना है हमने लगभग कवर करा दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में, इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो ये रही आपके लिए अपडेट, अगली वीडियो मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।